पार्टी के जितने वजीर आला बने, वजरा आला, वो ये सिंधी हमारे भाई बने, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब सिंध अपने लिए पानी मांगता है, जब सिंध अपने लिए हुकूमत मांगता है, जब सिंध कहारी अपने लिए पानी मांगता है, जब कराची का मजदूर अपने घर में पानी मांगता है, अपने लिए नौकरी मांगता है, अपने लिए सफाई मांगता है, रोड मांगता है, हेल्थ मांगता है, एजुकेशन मांगता है, तो ये सिंध के पीपल्स पार्टी के ये जो वज़राए आला जो कि हमारी सिंधी कम्युनिटी से सारे बनते चले आए हैं, ये हमारे सिंधी भाइयों को कहते हैं कि पंजाब तुम्हारा हक नहीं दे रहा, वफाक तुम्हारा हक नहीं दे रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ बुरा कर रही है, आओ मिलकर इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वफाक के खिलाफ और पंजाब के खिलाफ जद्दोजहद करते हैं। तो कोई जिए सिंध बना लेता है, कोई मुल्क से कोई सिंध को अलग तोड़ने की बात शुरू कर देता है, सारा गबन करें ये, पाकिस्तान का सारा पैसा 13 सालों में सिर्फ 10,242 अरब रुपए लेकर खा गए, सारा पैसा खा जाए ये, और जब लोग हक मांगे तो वफाक को बुरा बनाए, पंजाब को बुरा बनाए, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा बनाए। पाक सरजमीन पार्टी 70 सालों से और खास तौर पर पिछले 50 सालों से और खास तौर पर पिछले 13 सालों से होने वाले इस ड्रामे का पर्दा चाक कर रही है। हम सिंध के लोगों को और सारे पाकिस्तान के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ वफाक ने बुरा किया होगा मान लेते हैं, पंजाब ने बुरा किया होगा मान लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने बुरा किया होगा मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि ये 10,242 अरब रुपए तो और ये सारे इख्तियारात ये तो सिंध के सिंधी वजीर आला के पास आए हैं, उसने सिंध के लोगों को हमारे सिंधी भाइयों को जो इख्तियार उसके पास आ गया उसमें से कितना इख्तियार दिया है कश्मीर को, लाड़काना को, जामशोरों को, नवाबशाह को, कराची को, हैदराबाद को, खैरपुर को, जैकबाबाद को, कितना इख्तियार दिया है ठट्टा को, जो पैसे सिंध के सिंधी वजीर आला के पास आ गए, जो इख्तियारात उसके पास आ गए, उस इख्तियारात को उसने अपने सिंध के लोगों को वो कितना दिया है, ये सवाल इसका जवाब चाहिए। हम वफाक से बाद में निपट लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बाद में बात कर लेंगे, पंजाब से बाद में बात कर लेंगे, पहले तुम बताओ कि तुमने जो इख्तियारात और वसाइल लिए हैं और उसको गबन करके तुम दुबई में जाकर प्रॉपर्टीज खरीदते हो, उस इख्तियारात और वसाइल को तुमने अपने सूबे के लोगों को कितना दिया है, कितने पैसे दिए, कितने डिपार्टमेंट डिवॉल्व किए, तुम जाबिर हो, तुम काबिज हो, तुम चोर हो, तुम गबन कर रहे हो, तुम्हारे पास ये जमहूरियत के नाम पर ये डुगडुगी आ गई है तुम्हारे पास, तुम कहते हो हम तादाद में ज्यादा हैं, हम नंबर में ज्यादा हैं, हम फैसले करेंगे, किसी को क्यों इतराज हो सकता है कि कोई कहीं से आकर कराची के फैसले करे। तो मैं वफाक को कहता हूं कि अगर सिंध, अगर कराची सिंध का शहर है और कोई कहीं से भी आकर कराची में फैसले करेगा गली कूचों के, तो सिंध भी फिर वफाक का सूबा है, सिंध भी वफाक का हिस्सा है, फिर वफाक इस्लामाबाद से बैठकर इस सिंध के फैसले करे, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, फिर वफाक वफाक और उसके इदारे इस्लामाबाद से बैठकर इस सिंध के फैसले करे, फिर तुम्हें क्यों एतराज होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम तुम्हारी गलियों के फैसले करेंगे क्योंकि हम तादाद में ज्यादा हैं और कराची और हैदराबाद सिंध का हिस्सा है, सही है, मान ली बात, तो फिर सिंध भी वफाक का हिस्सा है, तो फिर इस्लामाबाद से बैठकर फैसले होने चाहिए सिंध के, फिर अगर यही फॉर्मूला है। मैं पाकिस्तान चलाने वालों को आवाज लगा के कहता हूं, बहुत देर हो गई है, हमने रोक रखा है यहां के नौजवानों के जज्बात को, ये शहर में लिसानी फसादात कराना चाहते हैं, ये शहर को जो कि पाकिस्तान को आज भी पाल रहा है, चला रहा है, ये इस शहर को मफलूज करके पाकिस्तान को मफलूज करना चाहते हैं, खुदारा रोको इनको, खुदारा इनको कोई लगाम दो। जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि ना आप आईन की पासदारी करें, कानून की पासदारी करें और अपनी मर्जी से कानून बनाते चले जाएं। पाक सरजमीन पार्टी अपने आखिरी खून के कतरे तक हम इस जहाद को जहाद समझकर पाकिस्तान बचाने और लोगों को मरने से बचाने का ये जहाज समझकर हम अपने खून का आखिरी कतरा भी गिराएंगे, हम अपनी खून अपनी जान देंगे।
लेकिन हम पीपल्स पार्टी को ये नहीं करने देंगे। हमने अमन के साथ 5 मुजाहरे किए शहर में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, डिस्ट्रिक्ट औरंगी में, वेस्ट में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 5 मुजाहरे किए। हजारों की तादाद में मर्द, बच्चे, जवान, माए, बहने आई, आए और आकर उन्होंने हुकूमत को आवाज लगाई। किसी ने हमारी आवाज फरियाद नहीं सुनी। फिर हमने आवाज लगाई है कराची के लोगों को कि 30 जनवरी को दोपहर 3 बजे तिब्बत सेंटर पर जमा हो जाओ। और हम चूंकि वजीर आला को आवाज दूर से नहीं जाती, तो तिब्बत सेंटर भी दूर है, तो हम वहां से सब लोग जब जमा हो जाएंगे, हम वहां से वजीर आला हाउस पे जाएंगे अमन के साथ, अपनी आवाज सुनाने, अपनी फरियाद सुनाने, शायद वहां से उसको आवाज जाए। और हमें किसी ने रोकने की कोशिश की इस जमहूरी अमल में, तो हालात की जिम्मेदारी, की संगीनी की जिम्मेदारी उस रोकने वाले पर होगी। हम पुरअमन लोग हैं, अमन के साथ अपनी बात, अपना हक मांगते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, आईन और कानून हमें ये तमाम हक देने का कहता है। लेकिन आईन बनाने वालों की पार्टी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने इस आईन को मजाक बना लिया है। वो 5-5 साल इस शहर, इस सूबे में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराती, कराती है तो ऐसा कानून बनाकर कराती है कि जिसको अगर ये अमेरिका, लंदन, जहां से ये पढ़कर आए हैं, वहां जाकर ये दिखाएं तो लोग इनको जूते मारें। और इनको आदत पड़ी हुई थी एक रहमान मलिक की कॉल से कराची को डील करने की, अब इनको तकलीफ हो रही है तो ये गालम गलोच पर उतर आए हैं। इनका परेशान होना बनता है, इनका घबराना बनता है, क्योंकि आज सब कुछ जब ये हो रहा है तो कराची सरापा एहतजाज है। जो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, जिस लेवल पे भी कर रहे हैं, हम सारे कराची के हुकूक के लिए जो भी बात कर रहे हैं, हम सबकी ताईद करते हैं, हम सबकी ताईद करते हैं। आज कराची सरापा एहतजाज है। इससे ज्यादा इख्तियारात 2013 में छीन लिए गए, एमक्यूएम इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थी, उसका गवर्नर बैठा था, ऑर्डिनेंस पे साइन कर करके उसने सब कुछ दे दिया अपनी गवर्नरी, अपनी वजारतें बचाने के लिए। आज और एक रहमान मलिक की कॉल पर डील हो जाते थे, आज वो माहौल नहीं है। आज ना कोई रहमान मलिक की कॉल रिसीव करने वाला है और ना रहमान मलिक से डील होने वाला है। आज पीपल्स पार्टी को हमारा सामना करना पड़ रहा है। और ये मैं समझता हूं कि सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी की 50 साल जबर आमरियत से छुटकारे का टाइम आ गया है, पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने का टाइम आ गया है, इनके जुल्म के खात्मे का टाइम आ गया है। हाँ, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, अल्लाह के पास सारी ताकत है। दुनिया के फिरौन अपनी ताकत पे घमंड करने वाले, जब मजलूम उसके सामने खड़ा हो जाए, रब की मदद आ जाती है और अल्लाह ताला फिरौनों को नेस्त नाबूद कर देता है। आज के पीपल्स पार्टी के फिरौनों का भी वक्त आ गया है। मैं कराची से लेकर कश्मीर तक और खास तौर पर 30 तारीख को कराची में बसने वाले मलीर से लेकर बल्दिया टाउन तक, केमाड़ी से लेकर सोराब रोड तक, हर इलाके, जुबान, रंग, नस्ल के लोगों को आवाज देकर कहना चाहता हूं कि आओ आओ और अपना हिस्सा डालो, आओ आओ और इस पीपल्स पार्टी के जुल्म के खिलाफ अपना एक दिन कुर्बान करो और इस पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करो। हम अपना एक दिन कुर्बान करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी। हम अपनी कोशिश करेंगे, अल्लाह की मदद आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और हमें हमारी नस्लों को आजादी मिल जाएगी, सारी नस्लों। हमें अपने सिंधी भाइयों को भी आजाद कराना है, जो थर के भाइयों को भी आजाद कराना है, उन बच्चों को भी मरने से बचाना है। हमें लड़काना के बच्चों को भी कुत्ते काट रहे हैं, उनको मरने से बचाना है। हमें सिंध के 70 लाख हमारे जो सिंधी, हमारे बोलने वाले स्पीकिंग बच्चे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं, उनको पढ़ाना है। हमें सिंध में ये जो रोटी कपड़ा मकान छीन लिया गया है, हमें ये रोटी कपड़ा मकान देना है। हमें कराची के बिजनेस कम्युनिटी को बहाल करना है, यहाँ की इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं, उनको यहाँ पर मौके देने हैं कि वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज अपनी रखें और बढ़ाएं ताकि यहाँ पर लोगों को मजदूरी मिले। हमें उनको फैसिलिटेट करना है, एक मजदूर
मजदूर को, हमें कराची के लोगों को पीने का साफ पानी देना है, हैदराबाद को हमें तालीम की दरसगाह देनी है, हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, कराची से कश्मीर तक हमें हर काम हर 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 कम्युनिटी के लिए काम आना है। यहाँ पर लाखों की तादाद में पख्तून हैं, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर लाखों की तादाद में बलोच हैं, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर लाखों की तादाद में सरायकी, कश्मीरी, हजारेवाल रह रहे हैं, बंगाली रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमें सबको उनके दरवाजे पर इख्तियारात और वसाइल देने हैं। और ये काम इस तरह नहीं होगा पाकिस्तान में। अब ये रिवायत बदल रही है, अब सियासत का महवर बदल रहा है कि कोई आए और कहे कि मैं वजीर आजम बनूंगा, वजीर आला बनूंगा, तो तुम्हें पानी दूंगा, तो तुम्हें सड़क दूंगा। अब पाकिस्तान के लोगों को पाक सरजमीन पार्टी ने नारा दे दिया है कि हमें तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए, हमें इख्तियार चाहिए, हमें तुमसे पानी नहीं चाहिए, पानी का इख्तियार अपनी गली के कौंसलर के पास चाहिए, हमें तुमसे सड़कें नहीं चाहिए, हमें अपनी सड़कों का इख्तियार अपनी गली के यूसी नाजिम को चाहिए, हमें तुमसे अस्पताल नहीं चाहिए, हमें अपने शहर के अपने मोहल्ले के अस्पताल का निजाम, उसके इख्तियारात और पैसे, स्कूल का निजाम, उसके इख्तियारात और पैसे अपने मोहल्ले के यूसी नाजिम को चाहिए, जिसको मैं गिरेबान से पकड़ सकता हूं। पाकिस्तान के लोग किसी वजीर को नहीं पकड़ सकते, किसी MNMP को नहीं पकड़ सकते। यह ड्रामा पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के लोगों को आवाज देकर कहता हूं, अपनी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाओ, बगावत करो, ये तुम्हारे, और उनसे इख्तियार मांगो। भले उनको तुम कहो कि तुम उनको वोट डालोगे, लेकिन ये कहो कि भाई ये जो हमारा बुनियादी इख्तियार है, हमें तुमसे काम नहीं चाहिए, मेरे MPs वजीरों से, हमें तुमसे गली में इख्तियार चाहिए, हमें हमारा बुनियादी सहूलतों का इख्तियार पाकिस्तान की गली कूचों में, देहातों में, पहाड़ों पे, वादियों में, सहराओं में, कराची की गलियों में जब तक नहीं पहुंचेगा, मुल्क से कोई नैब करप्शन खत्म नहीं कर सकती, मुल्क से कोई हुकूमत महरूमी खत्म नहीं कर सकती, मुल्क से कोई दहशतगर्द बनने वाले लोगों को दहशतगर्द बनने से नहीं रोक सकते, अगर आपने ये इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की गली कूचों में इख्तियारात और वसाइल लेकर आए जाएं। 3 आईनी तरामीम पाकिस्तान के लिए लाजिम मंजूम हो गई है, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए 3 आईनी तरमीम। एक तरमीम पहली ये कि वजीर आजम वजीर आला की तरह पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट इख्तियारात आईन में लिख दिए जाएं, डिपार्टमेंट आईन में लिख दिए जाएं, तरमीम नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2, NFCA अवार्ड से पैसे मिल रहे हैं वजीर आला को, तमाम मुजरा आला को, वो नीचे PFCA अवार्ड नहीं दे रहा। आईन में लिख दो कि जहां से NFCA अवार्ड मिलेगा वहीं से सूबे के डिस्ट्रिक्ट को वफाक से डायरेक्ट PFCA अवार्ड मिले, और ये आईन में लिख दी जाए बात। और तीसरी बात कि आईन में ये लिख दो कि जब तक लोकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मौजूद नहीं है, उस वक्त तक मुल्क में MNA MPA के इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर किसी को वजीर आला वजीर आजम बनना है, पहले मुल्क में लोकल गवर्नमेंट जमहूरियत की पहली सीढ़ी जो है, उस पहली सीढ़ी को लागू करवाए, पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए, उसके बाद MNA MPA के इलेक्शन होंगे, ये आईन में लिख दो। अगर पहली सीढ़ी नहीं है तो आप तीसरी मंजिल पे कैसे पहुंच जाओगे? 5-5 साल एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर शहर चलाते हैं। मैं कहूं कल को वजीर आजम वजीर आला का टेन्योर खत्म हो तो आप मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटर लगा के मुल्क चलाओ, सूबा चलाओ, तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, आपका आईन खतरे में पड़ जाएगा, आपका मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। जमहूरी ताकतों, ये हमारे सो कॉल्ड बदकार जमहूरी ताकतें हैं, आज यही काम ये शहर वालों के साथ कर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान को इस वजीरे आला से बचा लो। मैं सिंध की अगर बात करूं कि सिंध को पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान को बचा लो, ये सिंध की पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तोड़ने के दर पे है, और इस दफा इसने नया तरीकेकार अपनाया है कि लोगों की सांसें रोक लो ताकि वो रियासत के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये साजिश कर रहे हैं, ये हमसे जीने का हक छीन रहे हैं, हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। तो मैं लोगों को आवाज देता हूं, ए कराची के लोगों, सारी जुबानें बोलने वाले लोगों, आओ, हमने 6 मुजाहरे 5 मुजाहरे कर लिए, इनका कार्रवाइयां करते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 30 जनवरी को
इतवार के दिन सहपर 3 बजे इंशाअल्लाह ताला कराची के लोग, कराची से इतनी बड़ी तादाद तिब्बत सेंटर में जमा होगी और हम अमन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, माओ बहनों के साथ, अपने छोटे शीरख्वार बच्चों के साथ आकर हम रब को पहले तो ये दिखाएंगे कि हमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, देख हम अपने बच्चों को लेकर बाहर आ गए। फिर हम वहां से चलकर इस वजीर आला के कानों पर जाकर आवाज लगाएंगे और हम कहेंगे कि 2013 और 2021 का कानून हम मुस्तरद करते हैं, 2001 का लोकल गवर्नमेंट का कानून लागू करो, तमाम इदारों को लोकल गवर्नमेंट के हवाले करो और उसके बाद मुज़ाकरात करो कि आगे इसको और सही कैसे करना है। ये हमारा मुतालबा है और ये हमारी बात है। और ये बात अगर किसी ने जोर से रोकने की कोशिश की ताकत के नशे में, तो फिर जो जैसा करेगा वैसा रद्द अमल दिया जाएगा। इसमें किसी को कोई क्लियर, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। जैसा अमल करोगे गाली बकोगे, गाली बकेंगे। तुम आदमी हो, हमारे जैसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तुम ताकत का इस्तेमाल करोगे, अवाम के पास जो ताकत है उससे बड़ी ताकत कोई और नहीं है, और उस अवाम की ताकत के साथ अल्लाह की ताईद आ जाए तो तुम्हें हम बहा ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वक्त वो आ गया है कि जब हम सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी के चुंगल से आजाद करें। अपने मसलक, अपनी जुबान, अपनी पार्टीज की तमाम एफिलिएशन से बालातर होकर कराची के लोग 30 जनवरी को इस पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस जहाद में इस कारवां का हिस्सा बने, इस जहाद का हिस्सा बने और इस जुल्म से छुटकारा हासिल करें। आप हजरात का बहुत शुक्रिया।